जो जरूरी चीज़ें हैं इसमें वो पढ़ते हैं जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कभी कभी सॉल्व करने आ जाता है, ऐसे क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं। तो जो सबसे पहला टाइप होगा वो देख लो, ये ठीक है। कैसे सॉल्व होता है बता सकते हो? देखो क्या करना, अगर इस तरह का आपको क्वेश्चन मिल जाए तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, इसको जो नीचे लिखा हुआ है उसको सीधे कहाँ ले जाओ, ऊपर, ठीक है, रूट में, वैसे ज्यों कहते हो, और नीचे उसी को ज्यों कहते हो लिख दो करनी हटा के, ठीक है, समझ पाए। मेथड लंबी होती है, परिमेयकरण होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अगर हम इतनी चीज़ समझ पाएँ तो हमारा काम हो जाएगा, हमें उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखो आपको लिखा हो अंडर रूट फाइव, तो आप क्या कह सकते हो सीधे, समझ पा रहे हो चीज़, ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं है, आप करनी को क्या करो, परिमेयकरण करो, ठीक है, गुणा करो, हाँ चल रहे हैं, सब जगह चलेंगे, छूटेगा कुछ नहीं, ठीक है। लिखा आपका एक बटे अंडर रूट सिक्स, तो फिर ये चीज़ समझ पाए, ठीक है, इतना सा बस काम होना है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आगे डीप में जाने की या सोचने की या समझने की। अगर इस तरह से आपका क्वेश्चन है तो आप सीधे सीधे इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। देखो अगर इस तरह से है तो भी वही सेम प्रोसेस, कुछ नहीं करना हमें, इसको कहाँ ले जाना है, ऊपर, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ एक था, अब ज्यों का त्यों क्या है, दो है, और नीचे क्या लिख दोगे, बिना अंडर रूट के, ठीक है। क्या हो जाएगा, समझ पा रहे बात को, बस इतना ही सा होना है इस टाइप में। अब कुछ भी लिखा हो, तो वहाँ एक्स बटे अंडर रूट सेवन लिखा, समझ पाए बात को, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे इससे संबंधित, जब समझ में आएगा, आप इसको जब डायरेक्ट ऐसा लिख पाओगे ना तो आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। समझ गए, चलो इसी के दूसरे टाइप पे चलें। प्रोसेस कहती है कैसे इसका दोनों तरफ चिन्ह बदल के क्या करो, गुणा करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला सूत्र लगाओ, इस तरह से इसे सॉल्व करो। हमें इतना कुछ नहीं सीखना, इतने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या करना, जो नीचे लिखा हुआ है इसे सीधे कहाँ लिख दो, ऊपर लिख दो चिन्ह बदल कर। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करोगे, चिन्ह बदल कर, प्लस है तो माइनस करके और माइनस हो तो प्लस करके, सीधा इसको डायरेक्ट लिख दो, ये लिख दिया, ठीक है। और नीचे इन दोनों का क्या लिख दो, अंतर लिख दो, पाँच और तीन का अंतर दो, ये हो गया आपका, ठीक है। क्या हो जाएगा, ठीक है, सात चार ग्यारह, क्या हो जाएगा, करे थे पहले कभी इतने आसानी से, ऐसे सवाल देख के अपन छोड़ने की सोचते थे ना, सवाल ये नहीं है, ये तो बस बता रहे हैं किस तरह से होगा ताकि आप सवाल कर पाओ। क्या हो जाएगा, समझ पाए बात को, ठीक है, इसे काट मत देना।
ये तो काट दो। कंसेप्ट तो समझ गए ना, एक करके दिखा दोगे? दिखा दोगे तो बहुत बढ़िया बात होगी। क्वेश्चन को समझ लेना, है ना? क्या लिखा हुआ है? 1/√10 + 2 √10/12 ये जुड़ सकते क्या? ये अंडर रूट में है, ये अकेला है, कैसे जुड़ सकते हैं? देखो, अगर अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 लिखा हो तो क्या होगा? ये अगर गुणा होगा तो ये 5 हो जाएगा, है ना? अंडर रूट का किसी अंडर रूट के साथ गुणा होता है तो अंडर रूट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाएगा और सीधा नंबर आ जाएगा 5। ठीक है, तो देखो, अगर हम इस 2 को लिखते होते अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 तो क्या मान आता है? इसका 2 ही माना जाता। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ समझ पा रहे? देखो, हम हर तरह की वैरायटियाँ देने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम में वो आपसे इस तरह से पूछने लगे तो आप इसे बता पाओ। ये चीज़ तो वही है, क्योंकि हमें सॉल्व करना ये आता है। हम अगर इसे सॉल्व करने जाएंगे तो हमें बहुत दिक्कत होगी। आसानी से हम सॉल्व क्या कर सकते हैं? ये तो हम देख पा रहे हैं कि इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। लिख सकते पक्का? ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो, जब कोई बाहर से जब अंडर रूट में जाता है ना, इस घर के अंदर जब जाएगा तो वो क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। अगर 2 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4। बाहर आएगा तो 2 आएगा, अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ 3 होता तो अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9, और बाहर आएगा तो 3, है ना? तो इस कारण से यहाँ से भी अगर हम इसके अंदर भेजेंगे तो ये कितना पहुंच जाएगा? 4। जब अंडर रूट ये 4 पहुंचा तो अंडर रूट 4 को बाहर निकालोगे तो क्या आएगा? यही आएगा, 2 ही आ जाएगा, हमारा वही बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है अंडर रूट 4, क्योंकि जब इसमें से बाहर आएगा तो ये क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसके मतलब ये है कि 2 लिखा हुआ है तो ये क्या है? अंडर रूट 4 है। समझ पा रहे हैं ना बात को? अंडर रूट 4 और 2 की वैल्यू एक ही नहीं है? एक ही है, है ना? तो ये 2 लिखा हुआ है मतलब क्या लिखा? हम ऐसे तो सॉल्व करने जाएंगे नहीं। हम कैसे सॉल्व करने जाएंगे? हमें तो ऐसे बनता है। तो अंडर रूट 4 लिखा हुआ है, अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं क्या? समझ पाए बात को? ठीक है, क्वेश्चन को अगर वो थोड़ा बहुत घुमा दे तो वो भी आपसे करते आना चाहिए। क्या हो जाएगा? 2/√7 + √5/2, और इस 2 से इस 2 को कैंसिल मत कर देना, है ना? ध्यान रखना इस चीज़ को। क्या बहुत जल्दी पड़ती है ऐसे 2 से 2 को काटने की, है ना? √3 √10 + √5/5/5
चिन्ह बदल के, ठीक है। जो यहाँ चिन्ह होगा उसका चिन्ह पलट जाएगा, यहाँ माइनस होगा तो वहाँ प्लस पहुँच जाएगा, उधर प्लस होगा तो यहाँ माइनस चला जाएगा। ये चीज़ समझ गए? क्या आ गया? सिक्स। समझ पाए इस चीज को? चले इसके अगले टाइप पे। पिछले वाले से अलग है कि नहीं है? है। क्या हो जाएगा इसे, किस तरह से करोगे? तीसरा टाइप हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? दो का इंटू इसमें कर रहे हो? हाँ, दो बाहर आया है। हाँ, अच्छा अंदर पहुंच गया तो हो गया चार, पंद्रह चौकी साठ। फिर अब साठ आ गया तो अब ऐसे कर लो, तीन दो का जोड़ा बन गया तो दो बाहर निकाल लो और अंदर बच जाएगा पंद्रह। हैं, मेहनत करने का कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा वो, है ना? यहाँ पे तो नहीं हो रहा। देखो तीन टाइप बन रहा है अपने इसमें, जिससे अपन कोई भी क्वेश्चन क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसके करनी वाले। एक तो पहला बन रहा अपना कि वन अपॉन अंडर रूट थ्री, ठीक है। जब सिंगल हो तो हमें क्या करना है, सीधे परिमेयकरण कर देना है, मतलब सीधे अंडर रूट थ्री को ऊपर पहुंचा देंगे और नीचे उसे बिना अंडर रूट के लिख देंगे, ठीक है। दूसरा हो रहा है कि वन अपॉन फाइव अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट थ्री, ठीक है। इस कंडीशन में हमें चिन्ह बदल के ऊपर पहुँचाना है, नीचे क्या लिख देना है, अंतर लिख देना है। थर्ड हमारा क्या हो रहा है, तो लगभग ये इसी टाइप का, लेकिन इसमें ये क्या आ जा रहा है, दो आ जा रहा है ना। तो हमें क्या करना होता है इस तरह के क्वेश्चन में, कि कुछ नहीं करो, ये जो आठ होगा है ना, इस आठ को ऐसे दो नंबर सोचना है हमें, कि जोड़ने पे क्या आए, आठ आए, और गुणा करने पे क्या आए, पंद्रह आए। यहाँ पे इतना काम सोचना ही पड़ेगा, जब यहाँ पे दो होगा तो तुम्हें ये चीज़ सोचना ही पड़ेगा कि इस को ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है कि जोड़ने पे आठ आए और गुणा करने पे पंद्रह आए। अगर आप इतना कर पाओगे तो ये क्वेश्चन आराम से क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब ये है अंडर रूट एट, इसको कैसे तोड़ोगे, पाँच और तीन में टूट जाएगा, तो बस इसको जो कहते हो लिख दो अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट थ्री। समझ पाए चीज को, है ना? कुछ नहीं करना, देखो बात तो ये हो रही है प्लस बी के होल स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी की, लेकिन हम उतना नहीं कर रहे, हम इसे क्या कर रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट में कर रहे हैं, कि अगर हम यहाँ पे अगर दो नंबर ऐसे सोच पाएंगे तो हमारा सीधा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमने सोच लिए पाँच और तीन,
मतलब क्या हो गया, हमारा अंडर रूट फाइव और अंडर रूट थ्री कहाँ हो गया, नीचे हो गया, और हमारी सेम कौन सी कंडीशन बन गई, दूसरी वाली कंडीशन बन गई। और दूसरी वाली कंडीशन बन गई तो इसे हम कैसे सॉल्व करते थे, समझ पाए बात को, ये वाला इतना लेंदी क्वेश्चन भी आराम से क्या हो गया आपका सॉल्व हो गया, बस हमें ये दो नंबर यहाँ पे क्या करने थे, सोचने थे। वहाँ पर दो होना जरूरी है ना, अगर यहाँ पर दो नहीं होता, दो की जगह चार होता, तो फिर हमें इतना दिमाग लगाना पड़ता कि यहाँ पे हम दो कैसे बनाएं, करेंगे आगे। करके दिखा दो जल्दी, सोच पाए। ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसको जोड़ने पे क्या आए, 17 आए, और गुणा करने पे कितना आए, 60 आए। तो 12 और 5 कितने होते हैं, 17 होते हैं, और 12 इंटू 5 कितने होते हैं, 60 होते हैं। मतलब वो दो नंबर कौन कौन से हो गए, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 5। अब हमारा सेम ये क्वेश्चन बन गया, अब इसे क्या कर दो, पलटा दो चिन्ह बदल कर, और नीचे क्या लेना है अपन को, अंतर लेना है, कितना आया 7। ये हो गया हमारा क्या आंसर, ठीक है, समझ पा रहे हो, घबराओ नहीं, छोटे ही नंबर होंगे, बड़े बड़े नंबर नहीं आ रहे वहाँ पे, है ना, जैसे सोचने में बहुत दिक्कत हो। नहीं सोच पाए कैसे कर रहे हो, 19 ही तो है, कितका गुणा करने पे 60, किसके पहाड़, 19 से कम सोच लो, ऐसा कितने पहाड़े हैं जिस पे गुणा करने में 60 आता, 19 से कम ऐसी संख्या सोच लो कि जिसके पहाड़े में 60 आता हो, 10 छक्के 60 होता तो 10 और 6 16 हो रहा, 11 के में तो आता नहीं है, 12 पंचे 60 होता तो 12 और 5 कितने हो रहे,
17 हो रहा, 13 के में तो आएगा नहीं, 14 के में तो आएगा नहीं, 15 के में आएगा, 15 चौके 60 और 15 और 4 19। अगर इतना नहीं सोच पाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, सोचना ही पड़ेगा। अगर जैसे नहीं सोच पा रहा है तो यही देख लो कि यहाँ का जो नंबर है उससे कम के पहाड़े में देख लो यहाँ वाला नंबर आ रहा अथवा नहीं आ रहा। ये तो हम विभाजन में पढ़ चुके हैं ना कि कौन सी संख्या किससे डिवाइड होगी, ठीक है। इतना कर पाओगे तो जीत गए और नहीं कर पाओगे तो भी जीत जाओगे। क्या है आज गुरुवार है, आज सब अच्छा ही अच्छा बोलना चाहिए। तेरा लिखे हैं और ये 4 लिखा हुआ है। हमने क्या पढ़ा है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अगले टाइप पे चले गए हम लोग, है ना। यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, 4। अगर यहाँ पे 4 है या 2 नहीं है तो हमें यहाँ पर किसी भी कंडीशन में क्या करके लाना है, 2 लाना है, जब हमारा वो फॉर्मूला बैठेगा और जब हमारी क्या ट्रिक काम कर पाएगी। 4 में हमारी ट्रिक काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो क्या करोगे, इसे 2 बनाने के लिए क्या करोगे, इसे 2 में तोड़ो। 2 में तोड़े तो क्या हुआ, 2 × 2 और 13। ये बात तो समझ में आती है ना। ये क्या लिखा हुआ है, 2 × 2 = 4 लिखा हुआ है। अब बस हमें अब 2 की तो जरूरत है नहीं है, हमें कितने 2 की जरूरत है, हमें तो 1 2 की जरूरत है। और यहाँ पर कितने 2 हैं, 2 2 हैं, तो 1 2 को हम क्या कर दें, अंदर पहुँचा दें। अब सबसे बड़ी खासियत है इस अंडर रूट की कि जब इसको अंदर पहुँचाओगे तो ये किस में जाएगा, स्क्वायर में जाएगा, तो अंदर जाएगा तो 13 × 4 हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन जो निकल के आ गया वो है अंडर रूट 28 + 2 और 13 × 52, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया जहाँ पर हम 2 ऐसे नंबर सोच लो जिनको जोड़ने पे क्या बने, 28 बने, और गुणा करने पे क्या बने, 52 बने। अब तुम तो देखो, अगर तुम्हें सोचना है तो तुम तो पहले ये सोचो, अगर नहीं सोच पा रहे हो कि 52 किस किस के पहाड़े में आएगा। देखो 2 के में आएगा, ठीक है, 3 में नहीं आएगा, 4 में आ जाएगा, ठीक है, 6 में आएगा क्या, नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में आ जाएगा, फिर 9 में आएगा क्या, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में आ जाएगा, ठीक है, फिर 14 में आएगा, 15 में, 16, 17, 18, इतने नंबर हमने सोच लिए। इनको देख लो कि अगर इसको हम 28 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। अगर 2 को करोगे तो कितनी बार जाएगा, 26 बार, 26 × 52। हम देख पा रहे हैं कि 26 में 2 जोड़ने पे क्या हो रहा है, 28 हो रहे हैं, और 26 × 2 भी क्या हो रहे हैं, 52 हो रहे हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट क्या हो गया, पकड़ गया, हो पा रहा ना, यही तो पकड़ गया सबसे पहले, हमें और आगे करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। पड़ी क्या, हाँ, 28 × 52 नहीं होते, 28 × 56 होते हैं, है ना, 26 × 52। इतना तो सोचना ही पड़ेगा, ठीक है, और नहीं सोच पाओगे तो फिर क्वेश्चन चला जाएगा। इतना आपने सोच लिया तो बस आगे का क्या है आपका,
26 और प्लस का चिन्ह है तो ठीक है, समझ पाए। अब हमारा क्वेश्चन वही बन गया, इसे पलटा दो और बटे में क्या ले लोगे, अंतर ले लोगे। ठीक है, समझ पाए बात को, सोच नहीं पा रहे हो लेकिन दो नंबर, इतने छोटे छोटे नहीं सोच पा रहे हो तो बड़े बड़े कैसे सोचोगे। करके दिखाओगे एक, नंबर तो सोचने ही पड़ेंगे। नहीं सोच पा रहे हो, 21 गुणित 24 चाहिए है, पिछले क्वेश्चन में लिखा था 26 वो 28 हो गया था, वहीं के वहीं मिटा के करने लगे क्या? हाँ तो पिछले क्वेश्चन में था 26, क्या हो गया 24 को तोड़ना है। सबसे पहले तो क्या है यहाँ पर, क्या है 6 है और हमें कितना चाहिए, 2 चाहिए है ना, तो 6 को कैसे तोड़ोगे, 2 गुणे 3 6 को है ना, अंडर रूट 7। अब हमें केवल इस 2 की ज़रूरत है, इस 3 की तो नहीं है, तो ये 3 कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा है ना, ये 3 अंदर जाएगा तो किस में जाएगा, स्क्वायर में जाएगा, 3 तिरका 9 मतलब 7 गुणित 9, ये हमारा क्वेश्चन बन गया 63। ठीक है, अब हमें ऐसे नंबर दो नंबर सोचने हैं जिन्हें जोड़ने पे क्या आ जाए, 24 आ जाए और गुणा करने पे क्या आ जाए, 63 आ जाए, तो 21 तिया 63। ठीक है, 21 और 3 24 हो गया, 21 तिया 63 हो गए। अब इसका हमारा सेम क्वेश्चन क्या बन जाता है, दूसरा वाला, इसे चिन्ह बदल के क्या कर दो, ऊपर पहुंचा दो। और नीचे क्या लिखना है, अंतर लिखना है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अभी तक 4-5 क्वेश्चनों में एक भी नंबर खुद से सोच नहीं पाए हो, तो वो तो आपकी गलती है ना, हमारी गलती क्या हो, 26
26 आप लिखे हो तो वो आपकी गलती है। बताओ नंबर सोच के। यहाँ तो दो है ही, ऐसे दो नंबर कौन कौन से हो गए, 13 और 4, जिन्हें जोड़ने पे क्या आ रहा, 17 आ रहा है, और गुणा करने पे क्या आ रहा, 12 आ रहा। ठीक है, ऐसे बताओ। अठारह और चार, इसे बताओ। ये हो गया क्या, 18 और 4, 18 चौके 72 और 18 और 4 22, 19 छक्के 76 होते, 1906 23 हो गए। सबसे पहले तो ये देखो, 1906 23 हो गए, तो फिर 1906 23 नहीं हो सकते, तो 19 छक्के 76 भी नहीं हो सकते। हाँ बताओ, रुकिए। कर पा रहे हो? आ ही नहीं रहा कुछ, गलत है। तो तिया ही तिया क्यों कर रहे हो, और पहाड़े में दो नीचों के नहीं होते, तो 23 से कम पे जाओ ना, 23 तो तुम्हें जुड़े चाहिए है, तो तुम 23 के आगे के पहाड़े पढ़ोगे तो कहाँ से जोड़ के 23 आएंगे।
जब तुम 23 के आगे का पहाड़ा तुम 24 एकम भी करोगे तो वो तो 23 से ज़्यादा हो गए, तो जुड़ के 23 कैसे बन पाएंगे? तो 23 के आगे जाना ही नहीं है, इसका मतलब ये है 23 से कम जाना है। उन्नीस और छक्के बोला था, ठीक है, 19 चौके 76 और 19 और 4 23, इस पे आ जाओ। इसको कर लो, इसको रुक जाओ, इसको कर लो। ये जो नंबर लिखा हुआ है इससे कम ही होगा नंबर, है ना, इससे ज़्यादा नहीं होगा, और गुणा करने पे 230 आए। इसको करो, इसको करो। इसको यहाँ भी नहीं सोच पाए,
चौबीस तिया 72 और 24 और 3 27 ये वाला। करके ले आना घर से, ठीक है, आ जाए तो। आ भी सर आप लोग से आ जाए तो आ भी सकता है, नहीं भी है, ठीक है। कल करेंगे क्या इसके क्वेश्चन, ठीक है। बाकी बातें करते हैं कल। सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस, टेक बाथ, चेंज ड्रेस।